दो यार वो दरवाजे अगे आ प्लीज। हाँ ओके देखिए प्लीज वीडियो का आपको सही दिखाई दे रहा है यहाँ से? हाँ एम आई ऑडिबल एक्सक्यूज मी जी ऑडिबल है सर। हाँ यस सर। ओके और मैट आपको सही दिखाई दे रहा है एकदम? जी बिल्कुल अब बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ से आवाज भी आ रही है? हा? जी आवाज भी आ रही है और आप दिख भी रहे हैं कंप्लीट। फुल बॉडी दिख रहा है मेरा अगर यहाँ से पोज करे तो? फुल पोस्चर यस। ओके गुड। चलिए सो ऑल ऑफ यू आर हैप्पी? वेरी मच यस। ओके गुड। Twenty-three participants. I'm muting them all. And okay. Yes. Okay. अभी तीन तो योगी के लिए एक-एक मिनट इम्पोर्टेंट होता है, राइट? कि अभी दो तीन दिन से हम कर रहे हैं, आज तो चौथा दिन है हमारा। डू यू फील सम चेंज? हाँ लगता है पूरे दिन पे थोड़ा सा भी 1% भी असर इस चीज का। हाँ यस और नो? लाइक व्हाट? कोई शेयर करना चाहेगा एक लाइन में? कौन शेयर करना चाहेगा? रेज योर हैंड्स, वी डोंट हैव मच टाइम। हाँ शिफाली मैम। वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी पीसफुल। ओके अच्छा, कई बार बोलने का मन नहीं करता सुबह सुबह, तो आप चैट में भी टाइप कर सकते हो, राइट? वीडियो मैक्सिमम लोगों के ऑन होने चाहिए प्लीज। हाँ विदाउट वीडियो कोई योगा मुझे नहीं लगता है शायद हो पाएगा, बिकॉज आपके पोस्चर्स हमें चेक करने हैं। हमारे साथ अतर सिंह जी हैं आज, महावीर भैया भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? एंड हम तीन हैं आज आपके साथ और दो लोग आपके पोस्चर चेक करते हैं, केवल उनका काम ही यही है, तो प्लीज अलाउ देम टू हेल्प यू। ओके Feeling comparatively more energetic. Very good. Shall I call everybody? Chat like में आप लिख दीजिए. Veena and then we have Namdeep, Dr. Namdeep Tiwari, then Piyush sir, then Ritu Malviya, Vibhuti. They have their videos on.
डॉक्टर रीना, डॉक्टर अनिता सिंह, डॉक्टर दीपक ठाकुर, डॉक्टर नवनीत तिवारी, देन डॉक्टर ऋतु मालविया, हरिप्रकाश और किरण किरण देन मेघा शिफाली मैम। अच्छा मैं आपका, आप दो जगह से लॉग इन है, एक जगह से आपको मैं म्यूट कर दूं बिकॉज वो इको हो रहा है फिर। हाँ जी, हाँ जी, राइट, ठीक है। सी मैंने आपको कल बताया था योगा इज द सेल्फ डिसिप्लिन, राइट। एक डिसिप्लिन वो होता है जो आप पे थोपा जाता है, हाँ इजंट इट। योगा कभी भी थोपा नहीं जाता, वो सेल्फ डिसिप्लिन है, राइट। तो सेल्फ डिसिप्लिन में सब कुछ आ गया, राइट फ्रॉम फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, राइट फ्रॉम रिपोर्टिंग इन टाइम टू स्विचिंग ऑन द वीडियोस, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, राइट। अदरवाइज फिर हम शायद इसका पूरा बेनिफिट ना उठा पाए, राइट। तो प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। एंड आज हमारे साथ बीबी पाटिल भैया भी जुड़ रहे हैं और वो भी एक ट्रेंड योगा टीचर हैं, राइट। हाँ मैं स्पॉटलाइट पे डाल दिया है पाटिल भैया को, वेरी गुड, दिख रहा है आपको पाटिल भैया? हाँ आवाज आ रही है, ओके। सी ऑल द स्माइल कहाँ गई सबकी भाई, अनुरिमा, मेरीना, राकेश जी, दीपशिखा, नवदीप, सब्यसाची। हाँ वीडियो तो मैं वैसे ही ऑन कराता हूँ आपके लिए, हाँ ठीक है, पोजेस वगैरह तो आप कर लोगे मुझे पता है। हाँ कीप स्माइलिंग, देखो अतर सिंह जी की स्माइल दिखाता हूँ आपको, स्पॉटलाइट पे डाल रहा हूँ, ये देखो। महावीर भैया हाँ ज्वाइन कर गए हैं, महावीर भैया की स्माइल देखना आप, हाँ राइट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट एंड ओवर टू यू महावीर भैया, अनम्यूट कर लीजिए एक बार और साउंड चेक कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, जय गुरुदेव, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग भैया। थोड़ा सा साउंड का शायद वो रहेगा, आप एक बार वहां से बोल के बताएं। हाँ जी, अभी आपको ऑडिबल है? ऑडिबल है, यस, मुझे तो क्लियर है, आप लोग बताएं सभी, वेरी गुड, ठीक है, यस भैया कंटिन्यू। सो लेट अस क्लोज आवर आईज एंड सिट कंफर्टेबली एंड फर्स्ट वी विल चैंट ओम 3 times, सो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. Bring your mind here and now. Come into this moment and with a gentle smile on your face, just take a deep breath in and slowly let go. Make yourself comfortable in the pose you are sitting. And now we will breathe in for Om. We will first breathe in, and as we will breathe out, we will chant Om. So we will do this 3 times. Breathe in. Om. Breathe in. One more time. And relax.
just feel the energy and vibrations in your body. Now, keeping our eyes closed, we will breathe in and expand our stomach abdomen region, and breathing out, we will contract our navel muscles in. Breathe in, expand your lower abdomen, stomach, navel region, expand it more, more and more. And when you cannot hold it anymore, gently just breathe out and contract your navel muscles in. Pull them in as much as you can, take them inside. Once again, breathe in, expand your abdomen. Gently breathing out, contract your navel muscles in. Make a gentle effort to pull your navel towards your spine. Very nice. One more time will do. Saans bhare. Puri pet ki maanspeshiyon ko phulaein. Aur saans chhodte chhodte dheere dheere naabhi ki maanspeshiyon ko andar ki aur khinche. Very nice. This time we will breathe in fully. First we will expand our stomach abdomen. Then we will expand our rib cages, our lungs from sideways and from front. And with the remaining little bit, we will just take our shoulders up and fill in our clavicle bone also. So let's breathe in. Expand your stomach. Expand your chest. In the front, sideways, keep expanding as much as you can, and with a little bit, just raise your shoulder, clavicle bone up, and you cannot hold out. Breathe out from your chest, pull in your stomach, and continue doing this two more times. Breathe in, expand your stomach, chest, and gently breathe out, and relax. Feel the expansion in your lungs, chest area. There might be a slight pain in your shoulders. It's okay to have it. It's fine. Now we will do Kapalbhati Pranayam. Kapalbhati mein kya karte hain? Hum forcefully exhale karte hain. Saans ko jhatke se bahar chhodte hain. Aur incoming breath automatically swabhavik roop se aa jaati hai na? So exhalation is forceful. And inhalation is normal and on its own. Okay? तो अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे रख दे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, straighten up your spine, gentle smile on your face. If you wish, you may do it with your eyes closed. So breathe in and breathe out. For Kapalbhati Pranayam, breathe a normal breath in, out. In, out, in, out, and continue. Umesh Bhaiya, there is a comment in the comment box if you can please see. I'm actually far away from school. Keep breathing.
And as you exhale out, in, out, in, out, in, out, and continue at your own pace. See that our spine does not slouch and it is straight enough. Neck is also straight. Whether you get it right or wrong, but please don't forget to smile. And relax, Vishram. Put all your awareness on your face, forehead, and just become aware of the sensations in the body. Now we will do the last round of Kapalbhati Pranayam. Let us give our 100% with all our attention on the process, on our breath, its impact in the body. One normal breath in and breathe out. And breathe in for Kapalbhati. And relax. Everybody is doing it very nicely, very good. Relax. This time we'll keep our focus on our stomach, navel area. Gently become aware of the sensations. You may gently open your eyes. Now we will do Agni Sar Pranayam. अग्निसार प्राणायाम में हम सांस भरते हुए अपनी छाती को ऊपर उठाते हैं, थोड़ा सा सर को भी छत की तरफ उठाते हैं और एक बार देख लें सभी, और सांस छोड़ते छोड़ते आगे की ओर झुकते हैं। सांस मुंह से छोड़ेंगे, जब पूरी सांस बाहर हमने छोड़ दी तो धीरे से हम ऊपर उठते हैं और अपनी नाभि को अंदर की ओर खींचते हैं। वी पुल आवर नेवल मसल्स इन एंड little bit up, and our arms are on our knees, elbows straight, and we just gently put our chin on our chest, and then we flap the muscles of our stomach like we flap a cloth, like this, in and out, in and out. We'll pump them in and out like this. You can see like this, right? Okay, so let us breathe in. Lift our chest up, breathe out from the mouth and come down. When you have breathed out properly, just gently come up, rise up, pull in your navel muscles in, lift them a bit up, straighten your elbows. If you wish, you may
straighten up your shoulders also. Put your chin to the chest and start flapping. When you cannot hold anymore, lift your chin up. Breathe in. Relax. Relax your arms. Relax your head. And keep your gentle attention on your navel muscles, navel area. Take a normal breath in and breathe out. Let's get ready for Agnisara again. Your palms are pressing your knees and go straight, shoulders up. Breathe in, breathe out and come in front, go down to your mouth, hold when you have breathed out totally, come up little bit up slowly, pull your navel muscles in and up, raise your shoulders, bring your chin to the chest and start pumping your stomach and navel muscles in and out. Hold anymore, breathe in, lift your chin up and relax. Take a couple of normal breaths in and out. Keep breathing. For the last time, let us breathe in, chin up, chest up. Breathing out, we come forward. Breathe out through your mouth. Slowly come up. Pull your navel muscles in. Chin to the chest. Elbows straight. And start pumping your stomach in and out. Slowly breathe in, come up and relax totally. Relax totally. We will gently now sway our body from left to right like a pendulum. अपने शरीर को एक पेंडुलम की भांति दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं मुस्कुराते हुए that your spine is straight and your body is still fully rested on both of your buttocks. Gently now bring your arm up and take it to the opposite side. Pura khinche, elbows ko straight kare, muskurate muskurate kare. You are going to do it so seriously, I am telling you nothing is going to happen. So it is better to smile and do it with a feeling of joy and happiness. Very nice. Stretch it. Just hold on one side, jahan bhi hai aap, wahin ek baar khinch ke rakhiye pura. And feel the gentle stretch on the side you are stretching and contraction on the other side. And release to the other side. दूसरी तरफ पकड़ के रखे वहीं और उसी अवस्था में कुछ लंबे गहरे सांस लेते रहे छोड़ते रहे एंड जेंटली कम डाउन एंड जस्ट शेक योर हैंड्स शेक 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 जस्ट शेक एंड वेक शेक अप एंड वेक अप योर नेक राइट एंड लेफ्ट शेक योर रेड स्लोली ज्यादा झटका नहीं देना है ना राइट एंड लेफ्ट डाउन 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 अप 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 डाउन 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 डाउन
up, 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 and relax. Now we will do a bit of spinal twist. अपने left hand को right knee पे रख दें और right hand backside and turn, look over your right shoulder. And with every breath we do opposite side. Left and right, left and right, left, right, left, right, left, right, and relax. Vishram. Now let us get into our Marjari Asana. Cat stretch. Come on your knees. Knees पे आ जाएं और अपनी elbows को नीचे जमीन पे रख दें knees के साथ. Palms fully rested on the floor and now take your palms ahead one more step up and now lift your hips up, shoulders up so that our shoulders are directly under the palms and our knees are directly under our hips. Now breathing in, look up, chin up and navel muscles down. Nabhi ki manspeshiyon ko niche khinchiye. सांस छोटे छोटे ठोड़ी को छाती से लगा दें और स्पाइन को ऊपर की ओर खींचे, नाभि की मसल्स को अंदर की ओर खींचे. Pull your navel muscles in and your tailbone is inside your hips. Keep going, breathe in and up. Now, chin to the chest. Continue with your own speed 3 to 4 times. Breathing out. Gently rest your hips on your heels. Come back. Your elbows are straight. And make a gentle effort to rest your elbows on the floor. And your head down towards the floor. Keep breathing. Make sure that your heels are touching your buttocks. So do not go fully back. You may gently bend your arms, bring your palms near your head and rest your head on your palms. You may overlap your palms on each other and then rest your head on it. Breathing. And gently lift up slowly. And sitting Vajrasana. Now Umesh Bhaiya will guide us into some of the asanas. Okay. Thank you, Bhaiya. Very nice. Okay. अब जहां भी है वहां पे खड़े हो जाएंगे हम लोग. हाँ या ओके, तो चेहरे पे क्या रही है मुस्कान. ओके, अपना बायां हाथ ऐसे ऊपर उठाएं सामने और इसको ऐसे कर ले जैसे करते हैं ऐसे. हाँ, और इसको चेहरे के पास लेके आए और दोनों होठों के साइड में इसको लगा दें और इसको एक्सपेंड करें. अब आप स्माइल कर पाएंगे अच्छे से. एक्सपेंड करो बढ़िया से. वेरी गुड, राइट. और धीरे धीरे आप हाथ नीचे ले आए और आपकी स्माइल कंटिन्यू रहे. वेरी गुड. सांस भरते भरते दोनों हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे. दोनों हथेलियां बाहर की ओर हैं, पूरी अवेयरनेस के साथ करें. वेरी गुड. अब हम क्या करेंगे, हम सांस अंदर लेंगे और रोक लेंगे सांस को, और सांस रोकते हुए ही हम
बाजुओं को आगे पीछे हम लोग करेंगे राइट। तो पहले सांस अंदर लें, ब्रीद इन, होल्ड द ब्रेथ एंड स्टार्ट। जितना भी आप रोक सके, और उसके बाद ऐसे बोलते हुए, ऐसे बोलते हुए हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक बार फिर करेंगे, अब की बार हाथ पीछे की ओर जाएंगे, ब्रीद इन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, शोल्डर विथ अपार्ट ओनली, कमर सीधी, चलिए गुड स्माइल। सांस भरते भरते दोनों हाथ आगे शोल्डर लेंथ पे, और सांस छोड़ते छोड़ते बाईं तरफ घूम जाए, पहले कमर से, फिर बाजुओं से, फिर अपने कंध से। गहरी सांस लेना शुरू करें, छोड़ना शुरू करें। लुक ओवर टू योर हेड, ओवर टू योर शोल्डर्स। दोनों पंजे बिल्कुल फर्मली जमीन में लगे हुए, दोनों पाम्स के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल सेम। ये पे मुस्कुराहट, सांस लेना जारी रखें। और सांस लेते लेते वापस बीच में आ जाएं, और सांस छोड़ते छोड़ते अब दूसरी तरफ। और वापस सांस लेते लेते बीच में, और एक बार फिर सांस छोड़ते छोड़ते राइट को, सांस भरे और बीच में आ जाएं, एंड लास्ट राउंड ब्रीद आउट एंड लेफ्ट को घूम जाएं। पहले नीचे कमर से घूमे, फिर बाजुओं से, और फिर कंधों से। अपनी लेफ्ट साइड देखेंगे, कंधे के परे, चेहरे पर स्माइल, और सांस भरते भरते बीच में आके रिलैक्स करें, रिलैक्स करें, आंखें बंद, फील द एनर्जी फ्रॉम दिस पोस्चर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स बिटवीन टू पोस्चर्स और टू आसनास। अपने आप ही अपना समय लेते हुए दो आसन के बीच में खुद आप रिलैक्स कर लें 3-4 सेकंड के लिए, एंड फील द एनर्जी। ओके, रिलैक्स। सो दोनों पैरों में 3 फीट का फासला, राइट, ओके, और अपने लेफ्ट पैर को थोड़ा सा लेफ्ट को अंदर की तरफ मोड़े, जो दायां पैर है उसको बाहर की तरफ 90 डिग्रीज। तो ये पोजीशन है ऐसे, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन में है, यानी अगर लेफ्ट पैर के अगर मैं तलवों के बीच में से लाइन खींचू तो वो राइट पैर के एडी पे आके खत्म है, राइट, ऐसे करके देख लीजिए। आपका फ्रंट
फ्रंट पोर्शन बिल्कुल सामने, वो ऐसे नहीं थोड़ा, बिल्कुल सीधा है, मेरे मेरे को देखिएगा। यस, सांस भरते भरते दोनों हाथ उठा दें और सांस छोड़ते छोड़ते दाएं घुटने को मोड़ दें, इतना कि वो एंकल के ऊपर आ जाए, इससे आगे ना जाए ना पीछे रहे। और अपने दाएं हाथ को देखें, सांस लेते रहें छोड़ते रहें, वीरभद्र आसन, वॉरियर पोज, स्माइलिंग वॉरियर्स। बी सॉफ्ट ऑन द लेफ्ट नी, चाहे तो पीछे पैर को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। और यहीं पे अगर कर सकें तो ये दाईं बाजू अपने नीज पे रख दें और सांस भरते भरते इस हाथ को आप आगे की तरफ स्ट्रेच कर दें। बॉडी में स्ट्रेट लाइन, अगर आप देख सकते हैं तो अपने हथेली तो देखें यहां से, नहीं तो रिलैक्स करें बिल्कुल सीधा। और सांस भरते भरते वापस आ जाएं एंड रिलैक्स, दूसरी तरफ करेंगे वैसे ही पोज। अभी लेफ्ट पैर आगे की ओर है 90 डिग्रीज और हमारा राइट पैर थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, पैरों के 3 फीट का फासला। सांस भरते भरते दोनों हाथ शोल्डर लेंथ पे ले आए और सांस छोड़ते छोड़ते लेफ्ट नी को मोड़ दें और एंकल के ऊपर ले आए। सांस लेते रहे छोड़ते रहे, किसी भी पोजीशन में हमें सांस रोकना नहीं है, ध्यान दें। स्माइलिंग वॉरियर्स, अगर आपका दायां पेल्विस आगे आ रहा है तो उसको पीछे लेके जा रहे हैं। और अगर आप कर सके तो ये बाईं कोहनी को लेफ्ट नी पे रिलैक्स करें और ये हाथ सांस भरते भरते सिर के ऊपर से लेके आगे की तरफ स्ट्रेच करें। Do as much as you can. Listen to your body. जिनको back problem है वो थोड़ा इसको avoid कर सकते हैं। और सांस भरते भरते वापस relax दोनों हाथ नीचे और eyes closed कर दोनों पैर। विश्राम आंखें बंद, relax in the pose. वृक्षासन, दायां पैर लेफ्ट थाई के स्टार्टिंग में, सांस भरते भरते दोनों हाथों को ऊपर उठा दे। जो लोगों का बैलेंस नहीं बनता है वो दीवार का सहारा ले सकते हैं और दीवार में सामने ऐसी जगह पे देखिए जो पॉइंट जो कि मूव नहीं कर रहा है, फिक्स रहा है जो बैक पॉइंट। कीप स्माइलिंग, relax the posture, let go your effort. Oh, सांस छोड़ते छोड़ते हाथ नीचे ले आए और relax करें। Now repeat it from the left. Very good. बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी। ये आप ध्यान दें कि पोस्चर के दौरान ये लेफ्ट या राइट लेग आगे की तरफ ना आए, ये बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड में स्ट्रेट रहे। सांस भरें, भरते भरते
दोनों हाथों को, अगर मान लीजिए आपका बैलेंस खराब होता है, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट, डू इट अगेन. आईज फिक्स टू द बॉल, एक पॉइंट को देखिए जो मूव नहीं कर रहा है. And let's विश्राम करें, आंखें बंद. Feel the flow of energy in the body. जब हम poses करते हैं इसमें कोई competition नहीं है, आप ध्यान रखें, ना तो खुद के साथ ना और किसी के साथ, right? जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना करें. मेडिकल कंडीशन है, अगर मान लीजिए बीपी है या बैक की प्रॉब्लम है, तो फ्रंट वाले झुकने वाले आसन आप ना करें, राइट, फ्रंट में झुकने वाले आसन आपको थोड़ा सा अभी अलाउ नहीं है, राइट, ओके, थोड़ा सा बॉडी को शेक कर लें हल्के से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. लेकिन अगर आपकी बॉडी बिल्कुल सही है और केवल आलस्य की वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो गिव योर 100%, राइट, ओके, चलिए. सो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, पैरों में थोड़ा सा फासला, सांस भरते भरते दोनों हाथों को ऊपर उठा दें. बॉडी को स्ट्रेच करें ऊपर, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें. और सांस छोड़ते छोड़ते कमर से को सीधा करते हुए आगे की तरफ झुक जाएं, फॉरवर्ड बेंड, आपके कंधों के बीच में आपका सिर रहे. ट्राई टू टच योर फीट, जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना जाएं, जबरदस्ती ना करें. जो भी लास्ट स्टेज है आपकी, वहां तक पहुंच के पांच छह गहरे सांस लेने और फिर और नीचे होने की कोशिश करें. और जो लोग टच कर सकते हैं वो अपने एंकल्स के पीछे वाला पार्ट टच करें, चाहे तो घुटनों को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं और सिर को नीचे की तरफ रेस्ट करने दें. गहरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, स्माइल के साथ. और सांस लेते लेते फिर कमर को सीधा रखते रखते ऊपर आके विश्राम करें, आंखें बंद. फील द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, कीप स्माइलिंग. और जहां है वहीं पे आराम से बैठ जाएं, ओके, वेरी गुड. जहां है वहीं पर अपने पेट के बल आ जाएं, दोनों हाथ साइड में, उंगलियां फैली हुई, पीछे से दोनों पैर मिले हुए, सांस भरते भरते अपने अपर बॉडी को नेवल तक ऊपर उठा दें, भुजंगासन. अपने कंधों को नीचे की तरफ भी रखें, उन्हें ऊपर ना करें, केवल नाभि तक ऊपर उठें, बंद आंखों से आसमान को देखें, स्माइल करते रहें. Give you 100%. And सांस छोड़ते छोड़ते वर्टीब्रा बाय वर्टीब्रा नीचे आए and relax.
पीछे से घुटनों को मोड़ लें, घुटनों को मोड़ लें और अपने हाथों से दोनों स्तनों को पकड़ लें। सांस भरते भरते आगे और पीछे से ऊपर उठ जाएं, धनुरासन, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। दोनों घुटनों को पास में रखने का प्रयास करें। And legs. सिर से उठते हुए शरीर को ऊपर उठाएं हाथों से और वज्रासन में आ जाएं और शिशु आसन में विश्राम करें। दोनों कोहनियां जमीन से लगी हुई हों ये ध्यान रखें। कोहनियों को एक एक करके आगे ले जाने का प्रयास करें जहां तक आप आगे लेके जा सकते हैं। शिशु आसन में विश्राम करें और यहीं से अपने हाथों से उठ जाएं, घुटनों को सीधा कर लें, दोनों हाथ सामने और वो कंधों के नीचे हो, पीछे से घुटनों को उठा लें और दोनों पैरों को पास लेके आए और अपने दोनों कानों को बाइसेप्स को टच करें, आपका सिर दोनों हाथों के बीच में, अपने दोनों हील्स को ग्राउंड को लगाने का प्रयास करें। अपनी छाती को अपने थाइस की तरफ खींचें। And relax, घुटनों को जमीन पे ले आए, विश्राम करें शिशु आसन में। आखिरी बार आपके दोनों हाथ पीछे की तरफ, माथा जमीन पे लगा हुआ और हथेलियां ऊपर की तरफ। धीरे से फ्रंट पे लेट जाएं, लाई डाउन ऑन योर स्टमक और दाईं तरफ से करवट लेके सीधे हो जाएं। पूरा सांस भरें बॉडी में, तो सांस को रोक के रखें और बॉडी को तनिए, पूरा बॉडी को स्टिफ करिए अच्छे से, टाइट कीजिए बॉडी को, सांस को रोक के रखें। यस यस यस, होल्ड होल्ड, स्ट्रेच योर थाइस, स्ट्रेच योर नीज, स्ट्रेच योर काफ मसल, स्ट्रेच योर टोज अपवर्ड एंड रिलैक्स। विश्राम करें, रिलैक्स करें।
कंप्लीट रेस्ट, पूर्ण विश्राम। धीरे से दाईं तरफ करवट ले लें, उठकर ना बैठे, दाईं तरफ करवट लें। प्लीज लिसन केयरफुली प्रवीण जी, डोंट गेट अप। और हाथ का सहारा लेकर आराम से उठ के बैठ जाएं। हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन के लिए अपने हाथ को ऐसे कर लें, ये दोनों उंगलियां आपके आईब्रोज के बीच में, अंगूठा आपके राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर और रिंग फिंगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल के ऊपर, राइट। अब हम दोनों नाक, दोनों नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे। और खाली कर देंगे। अपने बाएं हाथ को इस पोजीशन में रखें, आपकी इंडेक्स फिंगर आपके थंब को टच करती हुई, और इसे बाएं घुटने पर आराम से रख दें।
अब सांस भरें और बाएं नॉस्ट्रिल से छोड़ दें. ब्रीद आउट फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. नाउ ब्रीद इन फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड ब्रीद आउट फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल. Again, breathe in from the right nostril. And breathe out from the left nostril. Karte rahein. Koi jaldbazi nahi hai. Aaram se saans andar aur aaram se saans bahar. अपने मन को यहीं पर रखें. इनकमिंग और आउटगोइंग ब्रेथ इतनी बारीक हो कि आपको भी ना सुनाई दे. लंबे और गहरे सांस. लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ. एंड ब्रीद आउट फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड कंप्लीट द राउंड. रिलैक्स, आंखें बंद रखें. बाईं नासिका से सांस को बाहर करके जस्ट रिलैक्स. सिट स्ट्रेट. फील द डीप पीस इनसाइड. हमारा मन अभी वर्तमान में है. Our mind is in the present moment. यही पर हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे. कंधों को रिलैक्स कर दें. चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट. मन को वर्तमान में रखते हुए केवल अपनी आती और जाती सांस को देखते रहे. मन में अगर कोई विचार आ भी रहे तो उनका विरोध ना.
हर एक इनकमिंग ब्रेथ को एक रिस्पेक्टेड गेस्ट की तरह अटेंशन दें। And see off the outgoing breaths with respect. मन में जो भी हो रहा है उसे पूरी दें, विश्राम करें। हर एक आती जाती सांस के साथ विश्राम करते जाएं। इस वक्त हमें कुछ भी नहीं करना है और ना ही कुछ जानना है। There is nothing to know and nothing to do at this moment. केवल विश्राम करें। धीरे धीरे शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। बिकम अवेयर अबाउट द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। बिकम अवेयर अबाउट द रूम इन विच यू आर सिटिंग। Slowly and gradually, whenever you feel complete, you may open your beautiful eyes. Good morning. Kaisa raha? Badhiya raha? Yeah? Let me see all of you are smiling or not. Arshna ji ki smile achhi hai, theek hai.
विशाल जी की स्माइल देखते हैं अभी. ओके वेरी गुड. थोड़ा सा और स्कोप है विशाल जी स्माइल करने का. हाँ यस अब मजा आया. अनुराधा ऑलवेज स्माइलिंग वेरी गुड. चलो किरण जी स्पॉटलाइट स्माइल वेरी गुड. ठीक है सेटिस्फैक्टरी है स्माइल. बढ़िया है. नीतिका लेट मी सी नीतिका. ओके वेरी गुड 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 कीप स्माइलिंग. राइट सो हाउ वाज इट टुडे. हाँ डिड यू फील सम एक्स्ट्रा बोनस टुडे. हाउ मेनी ऑफ यू ऐसा लगा कुछ आज एक्स्ट्रा था. हाँ राइट अच्छा नहीं भी फील हुआ ना इट्स ओके. हाँ वो टॉनिक अंदर जाता है ना तो हमेशा पता नहीं चलता बट वो बेनिफिट तो करता ही है ना. राइट तो आज हम लोग चार टीचर्स आपके साथ यहाँ पे हैं. जैसे नाम बताया था मैंने महावीर जी अतर सिंह जी और बीबी पाटिल भैया. सी आप इस बात को मेरे कहने से मान सकते हैं क्योंकि इसमें शायद ये भी एक साइंस है. हाँ रेणु गुप्ता जी का नाम भूल गया मैं सॉरी. पांच लोग हुए हैं जहां पे मेडिटेशन करने वाले लोग की प्रेजेंस होती है ना. हाँ योगा करने वालों की मेडिटेशन करने वालों की राइट. अपनी सांस पे काम करने वाले लोग जहां पे भी रहते हैं वहां का माहौल ऑटोमेटिकली क्या है एक आराम से बिल्कुल शांत हो जाता है राइट. इसलिए आई फेल्ट वेरी गुड टुडे बिकॉज पांच कलीग्स मेरे साथ में हैं और वो रेगुलर साधना करने वाले हैं. यस और नो राइट. और अब तो आप भी जुड़ गए हैं तीन चार दिन से हम भी कर रहे हैं साधना भाई है ना. इसलिए बोलते हैं कलयुगे संघे शक्ति राइट. इस कलयुग में संघ में रहने में शक्ति है. लड़ाई नहीं करनी हमने कोई. हाँ इकट्ठे रह के मानना नहीं है किसी को. यानी जब हम ग्रुप साधना करते हैं सो लाइक वी आर 54 नाउ राइट. महावीर भैया वी आर 54 टुडे और बीच में एक आधा लॉग ऑफ भी हो गया होगा तो 60 तक मान लेते हैं. 60 लोग जब इकट्ठे योग साधना करें मन को वर्तमान में रख के ब्रेथ पे ध्यान रख के इम्पैक्ट पे ध्यान रख के और उसके बाद मन को शांत करके नाड़ी शोधन प्राणायाम करें एंड उसके बाद मेडिटेशन करें इसके बाद क्या बचता है. कुछ भी नहीं. इसी को बोलते हैं समाधि. हमारा कंसेप्ट ये है कि हम तो समाधि लगा ही नहीं सकते है ना. हम तो नहीं लगा सकते साहब. तो पुराने जमाने के ऋषि योगी लगाते होंगे. हमारे बस का तो नहीं है. तो बस का तो नहीं है फिर हम इसको पढ़ते क्यों हैं. छोड़ो पे बस का नहीं है तो इजंट इट. नहीं यही पतंजलि आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं राइट. आप शरीर पे ध्यान दो जो बताया था ना मैंने कल. हाँ आसन प्राणायाम. आसन हमने कर लिया प्राणायाम भी कर लिया धारणा ध्यान समाधि. हाँ हमने ध्यान किया तो समाधि अपने आप लग गई. इसी को बोलते हैं समाधि. मरने के बाद नहीं समाधि का अनुभव होगा भाई. ये सब कुछ इस लाइफ को ऊपर ले जाने के लिए है. यस ओ नो. कोई एज की जरूरत नहीं है कि 70 साल हो जाएंगे तब आएगा हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा. नहीं भाई दीज आर रॉन्ग बिलीफ. इसीलिए कि सब हम तो नहीं लगा सकते साहब समाधि. अभी अभी हम सीखे नहीं है इसको. हाँ अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है. मैं आपको बताऊं जितना आपने किया ना इतनी प्रैक्टिस बहुत है. और शायद मेरे टीचर्स भी इस बात से एग्री करेंगे. अतर सिंह जी यस. हाँ महावीर भैया यस. इतनी प्रैक्टिस बहुत है. हाँ ये प्रैक्टिस लेकिन एक बिल्कुल डायरेक्शन में एक सीक्वेंस में होनी चाहिए. जो हम बाकी प्रैक्टिस करते हैं ना जिम और इधर उधर जाके और वो चूंकि सिक्वेंशियल नहीं होती है. यस और नो. उसके बीच में डिस्ट्रैक्शंस. देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस. तो जैसे पतंजलि बोलते हैं ना एक तत्व अभ्यासा. हाँ एक तत्व अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस वन थिंग प्रैक्टिस वन एलिमेंट. दीर्घ काला नैरंतर्य सत्कार सेवित दृढ़ भूमि. दीर्घ काला मतलब लंबे समय तक
नैरंतर्य मीन्स लगातार, सत्कार सेविते मतलब पूरा पूरा रिस्पेक्ट के साथ, राइट, आसन को पूरा रिस्पेक्ट देके। आसन की रिस्पेक्ट क्या है कि आप पोज में बने रहें, मन को यहीं रखें, सांस पे ध्यान दें, इंपैक्ट पे ध्यान दें, ये आसन की रिस्पेक्ट है बस। आपका हक है समाधि में जाने का। मुझे कल कई लोगों ने पूछा शाम को, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे ज्यादा बोल रहा हूँ, कई मैसेज आए व्हाट्सएप में मेरे पास शाम को आप लोगों के, कि सर हम समाधि हम तो नहीं कर पाएंगे, हम हमारा तो वो है नहीं। तो मैं आपसे पूरा हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ये जो भी लिखा हुआ है वेदों में, जो भी पतंजलि का योग सूत्र है, अष्टांग योग, ये इसी लाइफ में रह के एंजॉय करने का है, मरना नहीं पड़ेगा उसके लिए। यस ऑर नो? वरना तो इनका फायदा क्या हुआ फिर, इसन्ट इट? थोड़ा सा मन को टिका के रखें, समाधि पे ध्यान पे हमारा पूरा हक है भाई, हमारा हक है पूरा, यस। लेकिन उसकी कंडीशंस ये होती हैं कि आप पूरे अच्छे से सीक्वेंस फॉलो करें, टीचर की बात को पत्थर की लकीर समझें, राइट। टीचर जब बोले एक्सक्यूज मी, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, ओके, या वीडियो चला गया, हाँ, सम प्रॉब्लम इन द वीडियो, ओके, राइट। तो मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, बिकॉज अभी आपका बोलने का मन नहीं करेगा, बस इतना ही कह के मैं खत्म करूंगा इसको। हाँ, जो भी ज्ञान आप सुनते हैं ना, जो भी आप पढ़ते हैं, फ्रेशर कोर्सेज में टीचर आते हैं वो बताते हैं, वो ज्ञान सिर्फ थ्योरेटिकल होता है, राइट। उसको अप्लाई करने का दिस इज द टाइम। तो मन में बिल्कुल संशय ना लाएं, हाँ, राइट। अगर वो आपके आपके लायक होता नहीं तो बताया ही नहीं जाता, या सुनो, आपको बताया ही नहीं जाता, किसको टाइम है थ्योरेटिकल नॉलेज सुनने का। इसलिए पूरा मन को टिका के रखें, सुबह सुबह आपने बहुत अच्छा किया है आज, किसी पे गुस्सा ना करें पूरा दिन, टीवी शीवी ज्यादा ना देखें, वायलेंस वाला न्यूज वूज मत पढ़ें, कोरोना ने ये कर दिया, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दीज नॉनसेंस, राइट, एंड देन विल मीट, राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच, मेरे आर्ट ऑफ लिविंग कलीग्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमें, थैंक यू, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।